इस तरह से डस्ट उड़ रहा है, इस तरह से डस्ट उड़ रहा है कि आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। कैंसर उसी तरह बढ़ रहा है, बीपी उसी तरह बढ़ रहा है, शुगर उसी तरह बढ़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को मुआवजा दिया गया था, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। उसी बीच में सरकार चली गई कांग्रेस की, और जो जिस कंडीशन में वो था आज भी उसी कंडीशन में है। कितने जाने जा रही हैं, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही। यहाँ सारी व्यवस्थाएं सब सही है, हमारे लिए सब सरकारें अच्छी हैं, कोई खराब नहीं है। आइए थोड़ा क्या बोलना चाहेंगे रोड को लेकर? रोड की हालत बहुत खस्ता है, सरकार गवर्नमेंट आई है चली गई, कितनी अभी तक रोड बना नहीं है। रोड की हालत तो काफ़ी गंभीर है, ये तो आप लोग भी देख ही रहे हैं, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। बहुत सालों से रोड बन रहा है, अभी तक रोड बन नहीं पाया है, अब आगे। बिल्कुल सही बात है। हालांकि हम लोग भी चाय पीने आए थे और कुछ लोग मिल गए, तो हम लोग का जो है कैमरा चालू हो गया। क्या बोलना चाहोगे और जो सरकार है, क्या परिवर्तन चाह रहे हो कि हो या ना? परिवर्तन तो बहुत जरूरी है, और रोड और सड़क और प्रदूषण का यहाँ स्थिति से बहुत खराब है। हम खुद परेशान है, आज हमको लगता है कि 10-15 दिन से सर्दी खांसी से परेशान है। क्यों होएगा? 1000 रुपये मिलता है आपको? नहीं नहीं मिलता है। नहीं तो अच्छा है, परिवर्तन का परिणाम मिले तो भी अच्छा, नहीं तो वही है कि जो भी आ रहा है बस फाइलें पलट रहा है, तो कोई मतलब नहीं रह सकता। नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। आइए सीधे जुड़ेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिंगरौली का जो है मूड क्या है, लोग चाहते क्या है, क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद परवेज है, और हम लोग का पूरे सिंगरौली क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, हम लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं और रेणु शाह को भारी मतों से विजय बनाना चाहते हैं, और यहाँ का विधायक रेणु शाह होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रोड को लेकर हमेशा चर्चा उठते रहता है, एनएच को लेकर क्या बोलेंगे? एनएच पे तो आज 18 साल से यही हो रहा है, कितनी जाने गई, कितने लोग मरे, लेकिन कोई किसी इस पे एनएच पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्या बोलना चाहेंगे रोड को लेकर? पहले नाम बताइए। मोहम्मद साजिद हुसैन। क्या बोलना चाहेंगे रोड को लेकर? रोड के लिए ये बोलेंगे, NH 39 जब हमारी कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब लोगों को मुआवजा दिया गया था, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। उसी बीच में सरकार चली गई कांग्रेस की, और जो जिस कंडीशन में वो था आज भी उसी कंडीशन में है। कितने जाने जा रही हैं, लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही है, और लोग इससे बहुत परेशान हैं। क्या बोलना चाहेंगे रोड को लेकर, एनएच को लेकर? यहाँ सारी व्यवस्थाएं सब सही है, हमारे लिए सब सरकारें अच्छी हैं, कोई खराब नहीं है, सब सरकारें। क्या बोलना चाहेंगे रोड को लेकर? रोड तो सर बना ही नहीं, 18 साल से रोड बन ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा सरकार, समझ में ही नहीं आता है। इस तरह से डस्ट उड़ रहा है, इस तरह से डस्ट उड़ रहा है कि आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। कैंसर उसी तरह बढ़ रहा है, बीपी उसी तरह बढ़ रहा है, शुगर उसी तरह बढ़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी सरकार आ रही है रोड पर ध्यान दे ही नहीं रही है। मेन रोड है, यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, उस पर नियंत्रण बहुत ज़रूरत है। जो भी सरकार आए इस पर बहुत ज़रूरत निरंतर ज़रूरत है, बाकी तो जान ही ले रहे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रोड और प्रदूषण को लेकर सवाल जरूर खड़ा होता है। क्या बोलना चाहेंगे भाई, अपना नाम बताइए। जी, रोड को लेकर, रोड और यहाँ प्रदूषण जो है। ये रोड तो अभी बना नहीं, कब से बनना ही चाहिए था, कब से वो निकला हुआ है, लेकिन अभी भी चला 10-15 साल होने के जो आ रहा है, कोई रोड का अस्तित्व ही नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, इसमें सरकार की लापरवाही है। आइए सीधे जुड़ेंगे विजय, आइए थोड़ा क्या बोलना चाहेंगे रोड को लेकर? रोड की हालत बहुत खस्ता है, सरकार गवर्नमेंट आई है चली गई, कितनी अभी तक रोड बना नहीं है, बहुत दुर्भाग्य हम लोगों का। आज किसकी, इस बार किसकी सरकार? अब सरकार तो खैर क्या कहा जाए, किसकी सरकार, अब तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। प्रदूषण किस में क्या बोलेंगे? अरे प्रदूषण का स्तर तो बहुत खतरनाक है, प्रदूषण के बारे में क्या कहा जाए। हाँ, आप भी यहीं रह रहे हैं, आप भी यहीं के हैं, प्रदूषण का खैर स्तर तो बहुत खतरनाक, दयनीय स्थिति है यहाँ का। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्थितियाँ गंभीर हैं। आइए सीधे जुड़ेंगे संतोष, संतोष कहाँ गया? संतोष लापता हो गया, आओ थोड़ा सा इधर आओ। क्या बोलना चाहेंगे रोड को लेकर? रोड की हालत तो काफ़ी गंभीर है, ये तो आप लोग भी देख ही रहे हैं, आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। बहुत सालों से रोड बन रहा है, अभी तक रोड बन नहीं पाया है, अब आगे भी देखा जाए कब तक ये रोड बनता है। सरकार यही सरकार रहेगी तब तो रोड तो मुश्किल है कि बन पाएगी, अब आगे सरकार चेंज होगा तो कुछ हो सकता है। आइए थोड़ा सा जुड़ते हैं और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। कुछ बोलना चाहोगे अनिल?
प्रदूषण और रोड को लेकर बोलो ना, हम क्या बोले, बिल्कुल सही बात है। हालांकि हम लोग भी चाय पीने आए थे और कुछ लोग मिल गए, तो हम लोगों का जो है कैमरा चालू हो गया। क्या बोलना चाहोगे और जो सरकार है क्या परिवर्तन चाह रहे हो कि हो या ना? परिवर्तन तो बहुत जरूरी है, और रोड और सड़क और प्रदूषण का यहाँ स्थिति बहुत खराब है। हम खुद परेशान है, आज हमको लगता है कि 10-15 दिन से सर्दी खांसी से परेशान है, केवल प्रदूषण की वजह से, केवल प्रदूषण की वजह से। और रोड का वही हाल है, अगर स्टेशन जाना है, यहाँ से स्टेशन जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो भी सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम स्टेशन ना पहुँच पाए, अपने जगह तो दूर की बात है। रोड की स्थिति ये है, क्या बोलना चाहोगे रोड के लेकर? रोड के लिए तो भैया यही बोलना चाहेंगे, 10 साल हो गया, कितने मंत्री आए गए लेकिन रोड तो बना नहीं। मेन रोड में जाके देखिए इस बार क्या जाते, परिवर्तन हो या ना? परिवर्तन हो तो अच्छा है, परिवर्तन का परिणाम मिले तो भी अच्छा, नहीं तो वही है कि जो भी आ रहा है बस फाइलें पलट रहा है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या बोलना चाहेंगे रोड को लेकर? अपने सिंगरौली का रोड तो ज़्यादा खराब है, ज़्यादा खराब जी, मेन रोड का। इस बार क्या है परिवर्तन? परिवर्तन तो होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, आइए सीधे जुड़ेंगे, हमारे साथ में यहाँ पे दुकान लगा रही महिला, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ ये सोसा क्या चाहते हैं सर, परिवर्तन हो कि ना हो? होएगा, होएगा। 1000 रुपये मिलता है आपको? नहीं, नहीं मिलता है। नहीं। रोड को लेकर क्या बोलेंगे, जो है प्रदूषण और रोड का व्यवस्था, इसलिए हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हमारा कोई व्यवस्था है ही नहीं है। तो ये स्थितियां हैं, आइए जुड़ते हैं और लोग साथ में, क्या बोलना चाहेगा भाई रोड को लेकर? तो बताइए, ये स्थिति है रोड को लेकर, हर आदमी त्रस्त है कहीं ना कहीं प्रदूषण और रोड, तो बने रहे कैमरामैन गोविंद मल्ला के साथ सुनील सोनी, धन्यवाद।